हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभकदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले कल के मार्केट एनालिसिस के ऊपर, यानी कि कल के मार्केट सेशन के लिए हमने जो जो स्टॉक सिलेक्ट किए वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसकी इन डिटेल में एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और वीडियो के एंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है और ग्रासिम इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। अभी एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रासिम का ये वन डे का चार्ट है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अप ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली अप ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे के साइड में ब्रेक हो चुकी है और बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा मंथली बेसिस वाला सप्लाई जोन है और नीचे ये हमारा मंथली बेसिस वाला डिमांड जोन है और इसको भी प्राइस ने नीचे ब्रेक कर दिया है। मतलब यहाँ पर बियरिशनेस दिखा रहा है ये चार्ट। और अगर आप थोड़ा सा देखोगे, 2 दिन के अगर आप यहाँ पर कैंडल्स देखोगे तो यहाँ पर एक इनसाइड बार जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि हमें बता रहा है कि यहाँ पर से एक ब्रेकआउट वाला मूवमेंट मिल सकता है, यानी कि एक ट्रेंड डे हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है। कल भी दिखाई दे सकता है, उसके अगले दिन भी दिखाई दे सकता है, पर यहाँ पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि कल। अभी ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर से बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। थोड़ा सा अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा था, ठीक है, इसे हम बियरिश फ्लैग कहते हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है, ये 15 मिनट चार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा था ब्रेकडाउन के टाइम पर। और अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर कल एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी बन सकती है। अभी यहाँ पर मैं सिंपल सा शॉर्ट किस तरह से करना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर प्राइस हर बार सपोर्ट ले रहा था, तो सिंपल सा मैं वेट क्या करूंगा कि प्राइस कल इसको ब्रेक करे। अगर इसको ब्रेक करते तो मैं कोई भी पुल बैक देखकर एक अच्छा सा शॉर्ट का मौका यहाँ पर ढूंढने का ट्राई करूंगा। आपको पूरी एनालिसिस समझा दिए, हमें वन डे के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर एक गिरावट आ सकती है और उसी गिरावट को हम एक इंट्राडे में कैच करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी अगला जो चार्ट है वो रिलायंस का। रिलायंस में भी एकदम सिमिलर एनालिसिस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें कोई दूसरे टाइम फ्रेम में भी जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मंथली बेसिस वाला सप्लाई जोन है, ये हमारा मंथली बेसिस वाला डिमांड जोन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो सप्लाई पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया प्राइस ने, डिमांड पर पहुंची और डिमांड पे जाके प्राइस यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना रही है। एक्चुअली में हो गया है पूरा डबल टॉप पैटर्न और नेकलाइन जो है हमारी डबल टॉप पैटर्न की वो हमारी मंथली बेसिस वाली पीओसी है। मतलब अगर प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हमारी पीओसी भी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर से पीओसी भी ब्रेक होती है, यहाँ पर हमारा डबल टॉप पैटर्न का जो नेकलाइन है वो भी ब्रेक होता है, तो यहाँ पर भी पुल बैक देखकर बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के मौके बन सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा शॉर्ट करने का मौका हमें मिल सकता है। और समझ लो ये ब्रेक नहीं करता, ये ऊपर के डायरेक्शन में अगर ब्रेक करता है तो अब हमारा जो मंथली बेसिस वाला सप्लाई जोन है इसके ऊपर बाइंग करने को भी बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड ट्रेड बन से पर हाई प्रोबेबिलिटी इसका डाउन साइड में जाता है। अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर से एक अच्छा सा फॉल हमें दिख सकता है, हमें इंट्राडे में बहुत ही अच्छा फॉल कैप्चर कर सकते हैं। अभी अगला जो चार्ट है वो है आईटीसी, ठीक है। आईटीसी में अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल सा मैंने डिमांड एंड सप्लाई पे एनालिसिस रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथली बेसिस वाला हमारा डिमांड जोन है, सॉरी सप्लाई जोन है, जहां पर प्राइस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में यहाँ पर से गिरने लगी, ठीक है ना। और ये वाला जो है हमारा मंथली बेसिस वाला डिमांड जोन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर क्या बना रही है, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है और यहाँ पर भी पीओसी यहाँ पर होल्ड कर रही है और यहाँ पर हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन भी है। और अगर ये नेकलाइन कर ब्रेक होती है, ठीक है ना, अगर ये हमें यहाँ पर नीचे के साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर पुल बैक देखकर शॉर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे ट्रेड्स बनेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है, हेड एंड शोल्डर का सेटअप बन रहा है और उसको हमने मंथली बेसिस वाले डिमांड एंड सप्लाई में बिठा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। तो ये थे मेरे 3 स्टॉक्स। अभी यहाँ पर से सीधा हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिंपल सा मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था जिसका कि मैं वेट कर रहा था पूरे दिन पर, ये लास्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और लास्ट कैंडल को हम ट्रेड नहीं करते और मैं ओवरनाइट ट्रेड्स कोई लेता नहीं, ठीक है ना। तो उसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्ट्रांग क्लोजिंग दे दिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि अपने डे का जो हाई है यहाँ पर एक्यूरेटली क्लोज हुआ है, मतलब
यहाँ पर से बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हो, ठीक है ना। अगर गैप अप ओपन होगा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गए 36,249। ये फ्यूचर्स के चार्ट से, मैं फ्यूचर्स के चार्ट इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम मिलता है और मेरे एनालिसिस में वॉल्यूम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे 36,249 और सिंपल सा उसके जो प्रीवियस हाई है वो है 36,382। अभी इसके अगर ये बैंक निफ्टी इसको भी ब्रेक करता है तो उसके बाद में मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लगाकर आपको और भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में बता दूंगा, ठीक है। अभी अगला जो चार्ट है वो निफ्टी का, निफ्टी भी आप यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे निफ्टी थी और यहाँ पर भी अच्छा सा कंसोलिडेशन हो रहा था। निफ्टी में भी एक स्ट्रांग क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है, लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है और ये भी हमें बता रहा है कि एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है निफ्टी में, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंसेस की बात करें, क्योंकि जब भी ऑल टाइम हाई पे होता है तभी हमें सिर्फ बाइंग का देखना है, और जब भी हमें यहाँ पर बाइंग करनी है तो एक टारगेट्स में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जो कि मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद से यहाँ पर फाइंड किए, जो कि है 16,406। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और मेरा सेकेंड टारगेट होगा 16,467। तो ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हो गए मेरे निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के भी मैंने आपको बता दिए। तो होप है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस समझ में आ गया होगा और मेरे थ्री स्टॉक्स का भी एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ, ट्रेडिंग कंपनी के साथ शेयर कर दीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।